फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हमने BILS 09 यानी कि 105 को देखेंगे। और 105 में हम क्या देख रहे थे, आज का टॉपिक था हमारा RSN यानी कि रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क। और रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क का मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क का मतलब है सीधे सीधे लाइब्रेरी के संबंधों को, यानी कि आप अगर कहीं से बिलीव कर रहे हो, जितने आपके फ्रेंड्स हैं और कहीं ना कहीं आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रखिए। कहीं ना कहीं जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, अगर आपके संबंध अच्छे होंगे, यानी कि आप किसी को फ़ोन करके, भाई क्या नाम, कहाँ पा रहे हो आप, कि मैं इस लाइब्रेरी में, मुझे इस लाइब्रेरी से, यानी कि मुझे आपकी लाइब्रेरी में अगर ये बुक हो तो मुझे ये बुक चाहिए, जैसे आप क्या करते हो, भाई कहाँ पर है, मदद चाहिए थोड़ी सी, तो यही कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्स शेयरिंग की पहला पड़ाव है। अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, रिसोर्स शेयरिंग कर पाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 5 को आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और एक चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी में हमारे कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है, यूनिटी लाइए, जिससे कहीं ना कहीं रिसोर्स शेयरिंग में भी और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के फील्ड में भी हम सब सारे एक साथ जुट सकें। भाई अगर हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में ज़रूरत पड़नी है हर हालत में, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, आपके रिसोर्स शेयरिंग हो गया, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके क्या है, संबंध ऐसे होने चाहिए जिससे आप कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो आपको किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो, जैसे आपको मेरे से, देखो आपके लिए WhatsApp का नंबर दिया गया है, ठीक है, जिस पे आप पेमेंट करने के बाद स्लिप भेज सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज में क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि वो जो नंबर है वो कंप्यूटर में ही क्या ही ना कहीं उसका WhatsApp है, और कहीं ना कहीं फ़ोन में नहीं है, ठीक है, या फिर फ़ोन में वो सिम नहीं डले, आपको कॉल लगती रहेगी पर कोई उठा नहीं पाएगा, तो इस तरह इस उसमें फैसिलिटी है। क्योंकि देखिए अगर क्या नाम फ़ोन की फैसिलिटी अगर अलाउ होती तो मैं खुद आपको बहुत सारी चीज़ें कर पाता, पर आप जब उसमें मैसेज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, और जिसको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, किसी बच्चे को, तो आपके पास वो नंबर है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 5, और आज का टॉपिक क्या है, RSN यानी कि रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क। अब रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क है क्या भाई, आपका क्या है, यानी कि आप ये मान के चलिए रिसोर्स आपके पास क्या है, आपके पास एक पेंसिल है, आपने का यानी कि आपके पास पेंसिल है, आपके साइड वाले यानी कि आपके सहपाठी की पेंसिल चोरी हो गई, या पेन उसके पास आज पेंसिल नहीं है, तो कहेगा भाई मुझे पेंसिल दे दे, पेंसिल का मतलब पेन दे दे, हम पेंसिल ले के चलते हैं, कि मुझे पेन दे दे, आज मेरे पास पेन नहीं है या पेन ख़राब हो गया, एक पेन दे दे लिखने के लिए, करते थे कि नहीं हम इस तरह से बचपन में, तो क्या करा आपने, उसे एक पेन दे दिया, आपके यानी कि आपका पड़ोसी, आपके पीछे वाला, आगे वाला, वो क्या कर रहा है, पेन मांग रहा है, तो क्या है, आपने पेन दे दिया, किसकी बदौलत, उसने वर्बली आपसे पूछा, अगर आपके यानी कि आपके साइड वाले से आपकी लड़ाई हो रही है, आपके आगे वाले से लड़ाई हो रही है, तो क्या रिसोर्स शेयरिंग चलेगा, रिसोर्स शेयरिंग के नेटवर्क हमारा चल पाएगा, वो हो जाएगी बाधा उत्पन्न हो जाएगी उसमें, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क होता है हमारा लाइब्रेरी का, जो लाइब्रेरी विभाग में संसाधनों के साझाकरण की बात आती, ऑटोमेशन और नेटवर्क के प्रयोग की बात आती है, और आजकल के यानी कि आजकल क्या हो रहा है, विकसित देशों में सफलतापूर्वक इस चीज़ को लेके आया जा रहा है, और इसे कहीं ना कहीं हमने क्या इससे जोड़ दिया, प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया, प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया है, यानी कि जो नेटवर्क चल रहा है, पहले तो लाइब्रेरी क्या ही ना कहीं एक दूसरे से इधर से उधर ट्रांसफ़र होती थी, आजकल क्या है, हम लिंक ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप अपने बच्चे को ये लिंक दे दीजिए, इस पर कहीं ना कहीं हमारे मेंबरशिप से जुड़ जाएगा, या हमारे इस लिंक से जुड़ जाएगा, आपको हमारी लाइब्रेरी में जुड़कर वो किताब को साझा कर पाएगा,
आज सबसे पहले का जो यानी कि रिसोर्स शेयरिंग की जो पहले सबसे बात आती है वो अमेरिका में 1972 में संसाधन साझा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं जो कब से हुआ था 1965 में 75% शैक्षिक पुस्तकालयों की शुरुआत कर दी गई थी और शीघ्र ही अन्य विकासशील देशों में कर दिया। कब करा था? 1965 में क्या कर दिया था? 1965 में शुरू किया था किसके लिए? शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए, यानी कि एकेडमिक्स लाइब्रेरी के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और ये कहीं ना कहीं जब इसकी शुरुआत कब हुई? 1972 में USA में कहीं ना कहीं संसाधन और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। अब ये क्या है आपको RS यानी कि RSN का समझ में आ गया? RSN के देखो RSN पूरा पूरा अलग टॉपिक है। अगर इसे आपने समझ लिया RSN को, ये मान लो चलो एक और उदाहरण समझ लीजिए। अब आप असाइनमेंट बना रहे हो, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपके संबंध यानी कि अच्छे नहीं है, आपके क्या है अपने दोस्त ने बनाए रखे, तो क्या आप असाइनमेंट ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो क्या कर पाओगे? इससे कहीं ना कहीं इसी तरह समझिए, पड़ोस में आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या है आपका सिलेंडर ख़त्म हो गया, रात हो रही है, खाना बनाना है, सिलेंडर रात को आ नहीं सकता, तो क्या करोगे? पड़ोस से मांग के ले आओगे इस तरह, या खाना ऑर्डर कर लोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, या फिर जो चीज़ें कहीं ना कहीं शेयर करने वाली, किसकी बदौलत? हमारे नेटवर्क की बदौलत। हमें जब एक अपना नेटवर्क क्रिएट करा हुआ है तो उसकी बदौलत हम चीज़ों को ले पाएंगे। RSN आपको याद कर लेना, RSN। फिर आपके आ जाएंगे सेवाओं के प्रकार। सेवाओं के प्रकार आपके क्या है कल करेंगे छोटा छोटा टॉपिक, क्योंकि इसमें इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में आपको चीज़ें पढ़ानी है। इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, अर्जन हो गया, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर, छोटा है चैप्टर था, फिर हमें इंटर लाइब्रेरी लोन पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।